हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो बने रहिएगा, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। और जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के ब्लॉग, अपने डेली रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आप सभी के साथ टाइम टाइम पे शेयर करती रहती हूँ। सो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप मेरे मिनी ब्लॉग पे इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो पे भी ज़रूर आया कीजिए, थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिए। बिकॉज़ मुझे पता है कि आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो फुल ब्लॉग हमारा देख पाए। आजकल सब कोई बिज़ी रहने लग गए हैं और अच्छी बात है, बिज़ी रहना बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, तो आज मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी पी के और कर लिया था थोड़ा वर्कआउट। वर्कआउट में कुछ अपना स्टेटस स्ट्रेचेस और वर्कआउट और कुछ वॉकिंग, यही सारे मैं करती हूँ। और ये मेरा डेली का रहता है, मैं वर्कआउट कभी भी नहीं मिस करती, चाहे मेरा पीरियड टाइम हो या फिर कुछ भी हो, मैं वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। और जब मेरा फर्स्ट डे सेकेंड डे पीरियड्स का होता है, तो मैं ज़्यादातर उसमें सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वही करती हूँ, और ज़्यादा वर्कआउट उसमें मैं नहीं कर पाती। और पहले मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बट अब मुझे पेन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे प्राणायाम मैंने किए थे जिसकी वजह से मेरा पेन हमेशा के लिए गायब हो गया है। तो देखिए आज ना मुझे ये सफाई करनी थी जहाँ पे आटा रखा हुआ होता है, तो उसको ड्रम को इसको धुलना था, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। और इसका जितना भी आटा बाकी बचा हुआ था वो सारा मैंने एक पॉलीथीन में बांध के रख दिया है। दूध वाले भैया आएंगे तो उनको मैं दे दूंगी गाय को खिलाने के लिए। और अभी ना मौसम इतना अच्छा हो गया है, फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो हस्बैंड सुबह चले गए थे काम पे, लेकिन वो फिर से वापस आ गए हैं। तो बस अभी मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी और बनाऊंगी कुछ नाश्ता। तो सबसे पहले मैं नहा ली हूँ, सारे झाड़ू पोछा हो गया है और ऊपर से थोड़ा बहुत पानी जो है वो कंटिन्यू गिरता रहता है, तो इसीलिए मेरा जो काम है ना पूरा फिनिश होने के बावजूद भी फिनिश नहीं रहता। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, अभी अपना थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर रही थी, तो बिंदी बिंदी लगा रही थी और लिपस्टिक। तो आज ना मैंने थोड़ा सा क्रीम भी लगा ली है फेस पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और मैं ना हमेशा पूरा तैयार होके ही पूजा करती हूँ, कभी भी ऐसे बिल्कुल नहा के आते ना कुछ लेडीज़ें, मैंने देखा है कि जैसा कि अभी मैंने लास्ट ब्लॉग में भी अपने बताया था कि ऐसे ही पूजा कर लेती हैं सुहागन महिलाएं। तो मतलब हमारे हिंदू शास्त्र में भी ऐसा बताते हैं, जोशी लोग वगैरह भी बताते हैं कि हमें कभी भी अपना पूरा श्रृंगार करके ही हमेशा पूजा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही पूजा नहीं करनी चाहिए कि आपकी मांग में सिंदूर नहीं है, गला खाली है, चूड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे मतलब पूजा जो होती है ना सुहागन महिलाएं, वो ज़्यादातर अपना श्रृंगार करके ही करें। उसके बाद मैंने बना लिया है यहाँ पे नाश्ता, और सुबह के नाश्ते में आज पराठा और साथ में कद्दू की सब्ज़ी है, खट्टी मीठी, और चाय है, और थोड़े से देसी चने रखे हुए थे। तो ये हस्बैंड अभी चले गए थे अपना नाश्ता करके, और उसके बाद फिर मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया है। ध्रुव हमेशा की तरह नीचे ही खेल रहा होता है, और 9 बजे तक 10 बजे तक वो आता है ऊपर, और सुबह 7 बजे वो चला जाता है दादू के पास खेलने के लिए। तो नाश्ता जो होता है ज़्यादातर हम लोग अकेले ही कर लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड फ़िलहाल चले गए थे, और आप सबको जैसा कि पता है कि वो कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादातर उनको अवॉइड ही करती हूँ कैमरे में लाने से, क्योंकि ज़बरदस्ती अच्छा नहीं लगता, जब वो खुद से आते हैं तो अच्छा लगता है। और नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी ऊपर छत पे, बारिश देख के आई, और उसके बाद मैं फिर नीचे आके, और टाइम अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। भूख इतना तेज़ से लग रही थी क्योंकि कल फास्ट था मेरा, और सुबह हमने सिर्फ एक एक पराठा ही खाया था चाय के साथ, और कुछ भी नहीं सुबह से हम लोगों ने खाया। तो हस्बैंड कह रहे थे यार बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, कुछ झटपट वाला खाना बना लो। तो आज बहुत टाइम के बाद इनका फेवरेट बना रही हूँ यहाँ पे, तो बिरयानी बनाने की सोच रही थी, लेकिन तहरी है ना ध्रुव भी खा लेता है, और इसमें अगर मैं बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो बस हस्बैंड को इतना तेज़ भूख लग रही थी, तो फिलहाल वो कह रहे थे कि अभी कुछ है खाने को तो दे दो, क्योंकि भूख
कितना तेज़ लग रही थी, मुझे भी बहुत लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने इनको दे दिया था, ये थोड़ा सा नमकीन था मूंगफली का, और कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था फ्रिज में लिमका, तो मुझे लिमका बहुत पसंद है, तो हस्बैंड हमेशा से ही लिमका ही ज़्यादा लाते हैं, और जूस वगैरह भी लाते हैं, बट वो मैं ध्रुव को पिलाती हूँ, और ये चीज़ें ध्रुव को मैं नहीं देती, और ध्रुव को ज़्यादातर मैं जूस ही देती हूँ। और अभी मैं बना लेती हूँ झटपट से यहाँ पे पुलाव, अपना वेज पुलाव। तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे ऑनियन चॉप करके रखा हुआ था, और ग्रीन चिली और लहसुन, तो ये सारी तैयारियाँ मैंने बारिश आने से पहले ही कर दी थी। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी बाहर, तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। बारिश को देख के ना मन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और माइंड में ना इतना अच्छा लगता है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो। और मैंने देखी कितने सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स, ये शिमला मिर्च थी, और आलू, और सोया बड़ी तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इतना चावल नहीं खाएंगे, इतना सोया बड़ी उनको पसंद है पुलाव के अंदर। और चावल भी मैं भिगो के नहीं रख पाई थी, लगभग दो आधे घंटा तो मैं ज़रूर चावल को भिगोती हूँ बनाने से पहले, लाइक कोई भी चावल हो तो नहीं भिगो पाई थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ें इंस्टेंट डाली हैं सब कुछ अभी, और चावल को भी हाथों हाथ ही डाल रही हूँ, तो मसाले में थोड़े ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है, तो चटपटा खाने का ज़्यादा मन करता है हस्बैंड का भी और मेरा भी, तो ध्रुव भी खा लेगा, लेकिन मैंने इसमें रेड चिली कम डाला है और ग्रीन चिली की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। ग्रीन चिली नुकसान नहीं करती बच्चों को, लेकिन जो रेड वाली चिली होती है ना वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स कर देती है रेड चिली। और यहाँ पर मैं सिर्फ दो सीटी लगाऊंगी, और तब तक यहाँ पुलाव बन रहा है तब तक मैं अपने किचन को पूरा क्लीन कर लूँगी, और मैं काम बिना बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं छोड़ती, हर काम को टाइम से पहले करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज ध्रुव कभी भी मुझे परेशान करना शुरू कर देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम से पहले ही काम करती हूँ। और अभी मैं हस्बैंड से पूछ के आई थी कि आपको रायता खाना है, तो उन्हें तो ऑल टाइम फेवरेट ही होता है उनका रायता। और पुलाव को मैंने सिर्फ दो सीटी लगाऊंगी, और दो सीटी के बाद इसकी फ्लेम को ऐसे ही गैस को बंद करके छोड़ दूंगी, और उसके बाद इसको अपने आप से इसकी जो गैस है वो निकल जाएगी। तब तक मैं चॉप कर लिए यहाँ पे मैंने ऑनियन, एक ऑनियन मीडियम साइज़ का, और एक टमाटर, टमाटर नहीं डालूंगी रायते में बिकॉज हस्बैंड नहीं खाएंगे, और मैं ये अपने लिए सलाद के लिए काट रही हूँ अलग से, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, किसी भी तरह का सलाद हो तो उसमें जब तक टमाटर ना हो ना तब तक सलाद अधूरा ही लगता है मुझे। उसके बाद मैंने इसको कुछ गोल स्लाइसेस में कट कर लिया था, और कुछ बारीक बारीक चॉप कर लिया था, एक ग्रीन चिली भी काट ली थी, और ये स्मूदी बना रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला रायता। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आपके पास, इस तरह का रायता और गाढ़ा गाढ़ा दही जब इसके अंदर जाएगा ना तो खाने का एक अलग ही मज़ा आता है, और ये रायता कभी भी आपको बोर नहीं करेगा खाते टाइम पे। और मेरे हस्बैंड को जितना ये वाला रायता पसंद है ना, बूंदी वाला रायता वो बिल्कुल भी नहीं खाते, इसका एक गुना भी नहीं खाते, और ये रायता मुझे भी बहुत बहुत पसंद है, और ये हेल्दी भी होता है बिकॉज़ इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो इसमें मेन रोल जो होता है वो ऑनियन और खीरे का ही होता है, बाकी आप कोई भी इसमें अपना मनपसंद ऐड कर सकते हो सब्ज़ी। और यहाँ पे थोड़ा सा गैस रह गया था देखिए निकलने के लिए, तो उसको मैंने बाद में निकाल दिया था, लेकिन एकदम परफेक्ट पुलाव बनके तैयार हुआ था, एकदम खिला खिला, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। तो आज की मेरी सो कूल सिंपल एंड टेस्टी एंड हेल्दी सी थाली आप सभी को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने खीरे का सलाद भी दे दिया है, और ये जो रायता है ना ये इतना रायता है कि हम दोनों सारा खा लेंगे। ध्रुव तो खाता नहीं है इस तरह की चीज़ें, बस थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह ही खाता है, तो बस जल्दी से झटपट से दे दूंगी अभी उनको पहले थाली, और बाद में मैं अपने लिए भी लगा लूंगी। तो आज की थाली बनके है तैयार, थोड़ा सा मैंने लेमन रख दिया है और इनको ये पसंद है, इसके ऊपर से लेमन को निचोड़ के, और इसको मैं और भी कई तरीके में बनाती हूँ, चना दाल डाल के, और जो तुअर दाल मसूर दाल होती है उसको डाल के, तो मैं बारी बारी से सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने अपने लिए थाली लगा लिया है, और जो टमाटर मैंने चॉप किया था उसको देखिए कुछ इस तरह से मैंने गार्निश कर लिया है, मुझे बहुत पसंद है प्लेटिंग करना, तो जैसे जो चीज़ें मेरे पास होती है उनसे मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ, और मैंने कोई सीखा नहीं है कहीं से, बस अच्छा लगता है मुझे तो मैं खुद से ही करती हूँ। बारिश इतना हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आज सारे दिन की कसर निकाल दी है बारिश ने,
तो शाम तक वैसे बारिश रुक गई थी, और जैसे ही बारिश रुक गई थी वैसे ही मेरे काम भी शुरू हो गए थे। बारिश रुकने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ और अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ, बिकॉज़ इतना ज़्यादा काम हो जाता है, घर पूरा मैशी हो जाता है बारिश रुकने के बाद, गंदा गंदा, और पानी गिरता है तो फिर उसको भी साफ़ करना ज़रूरी रहता है। ये कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आए थे, उनको मैं फ्रिज में लगाना भूल गई थी और मैंने इसमें ऑर्गेनाइज में ही रख दी थी सारी सब्ज़ियाँ, तो अभी मैंने रखी हैं पूरा फ्रिज में, सारी रख दी हैं। बैंगन थे और टमाटर, खीरा, सारी चीज़ें फ्रिज में रख के, और जो बर्तन थे सारे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। तो दोपहर का खाना हमने लगभग 4 बजे खाया था, उसके बाद हम छत पर आ गए थे, बारिश रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं एंड करूँगी यहीं पर, मिलूँगी आप सभी से कल के एक और अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा, बाय बाय।